पाइथन फाइल ओपन क्या होता है, देखो तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है पहले ये देखेंगे, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, छात्र एग्जाम में व्हाट इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग मतलब होता है क्या, फाइल का मतलब क्या होता है फाइल, ठीक है ना। हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, हैंडलिंग का बेसिकली मतलब फाइल को कैसे आप हैंडल करते हो। हैंडल इन द सेंस, अगर मान लो मैं आपको कोई फाइल देती हूँ, मान लो फाइल आपके हार्ड कॉपी में है, अगर वो फाइल आपको पास हार्ड कॉपी में है और मैं उससे बोलती हूँ कुछ पेज वहां से रिमूव कर दो, आप क्या करोगे, फटाक से वहां से एक पेज निकालोगे, रिमूव कर दोगे। मैं बोलूँगी कुछ फाइल में ऐड कर दो, तो आप क्या करोगे, हाँ मैम बताइए क्या ऐड करना है, मैं उसको कुछ ऐड कर देता हूँ। आप शायद पेपर प्रिंट करके ऐड भी कर सकते हो। मैं बोलूँ कि फाइल में, फाइल को सिर्फ आप रीड करो, उसको कोई चेंजेस नहीं करना है, रीड करके मुझे बताओ कि क्या कंक्लूजन निकलता है। तो आप फाइल को रीड करोगी, आप मुझे कंक्लूजन बताओगे। फिर मैं आपसे बोलती हूँ कि फाइल को रीड करो और फिर उसको देखो क्या मिस्टेक है फाइल में, क्या कुछ ऐसी गलती है, इसको कुछ सही करने की जरूरत है। तो आप बोलोगे हाँ मैम कुछ गलत है तो सही करना। तो मैं क्या बोलूंगी, अच्छा ठीक है, उसको तुम रीड भी करो और राइट भी करो। मतलब रीड राइट मतलब क्या, आप दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। जब भी हम रीड की बात करते हैं ना, ये देखिए फाइल हैंडलिंग मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ आज बताएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे उसका कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल कैसे उसको परफॉर्म करते हैं ये दिखाएंगे आप लोगों को। तो फिर सब बेसिकली क्या होता है कि अगर रीड की बात की जाए, व्हाट इज रीड इन फाइल हैंडलिंग, पूछा जाए एग्जाम में कि रीड ऑपरेशन कैसे करते हैं या राइट ऑपरेशन कैसे करते हैं, या फाइल को ओपन करने का सेंटेक्स क्या होता है, फाइल को राइट रीड करने का ऑपरेशन का सेंटेक्स क्या होता है, इस आपके क्विज में, आपके दो एक नंबर दो नंबर के जो क्विज होंगे या फिर जो ऑनलाइन पेपर होगा ऑब्जेक्टिव आपका, में भी उससे पूछा जाए, ठीक है। सब्जेक्टिव अगर होगा तो आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा उसमें। ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको पूछा जाएगा कि फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं, कोर्स कैसे करते हैं, सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी उसमें, ठीक है। हम वन बाई वन देखेंगे। पहले लिखा है यहाँ पे, फाइल हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन, पाइथन हैज सेवरल फंक्शन फॉर क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फाइल। लिखा है द की फंक्शन ऑफ वर्किंग विद द फाइल पाइथन इज ओपन फंक्शन। ओपन मतलब क्या होता है, आपने जो फाइल बनाई है, जो सेव की है, उसको पहले ओपन करेंगे तब तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं ओपन फंक्शन। द ओपन फंक्शन टेक हैज टू पैरामीटर, फाइल नेम एंड मोड। व्हाट इज फाइल नेम एंड मोड, फाइल नेम मतलब होता है आपने फाइल का नाम क्या रखा है, आपने फाइल का नाम एक्स रखा है, वाई रखा है, आपने डॉक रखा है, आपने माई डॉक्यूमेंट रखा है, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट रखा है, आपका फाइल नेम हो गया। अब मोड क्या होता है कि आप उसको किस मोड में ओपन करना चाहते हो, क्या उसको वर्ड में ओपन करना चाहते हो, आप उसको पीडीएफ में ओपन करना चाहते हो, आपको नोट पैड में ओपन करना चाहते हो, सिंपल टेक्स्ट में ओपन करना चाहते हो, ये सारी चीजें मोड बोलते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया आप लोग को मोड क्या होता है। देन किसी फाइल के दो पैरामीटर होते हैं, फाइल नेम एंड मोड। फाइल नेम इन द सेंस जो आप नाम रखते हो अपनी फाइल का, वो मोड मतलब जिस मोड में आप फाइल को ओपन करना चाहते हो वो मोड होता है। देखा, देयर आर फोर डिफरेंट मैथड फॉर ओपनिंग अ फाइल, चार मेथड होते हैं फाइल को ओपन करने। पहला होता है आर, लिखा हुआ है, लिखा आर मतलब होता है रीड करना, ठीक है। लिखा रीड डिफॉल्ट वैल्यू, ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, बोल रहा है कि अगर आप फाइल को ओपन करोगे तो आपको रीड रीड मोड होता है, आप रीड कर सकते हो फाइल को, लेकिन एरर तब देगा अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आपके उस सिस्टम में वो फाइल एग्जिस्ट अगर नहीं कर रही है तो आपका वो फाइल रीड मोड में ओपन नहीं होगा। देन लिखा हुआ ए, ए पे मतलब अपेंड लिखा हुआ, मतलब क्या होता है, ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग, क्रिएट द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। लिखा है अपेंड फंक्शन हम यूज करते हैं किसी भी नई फाइल को क्रिएट करने के लिए, या फिर नई फाइल को बनाने के लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम अपेंड का यूज करके एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। फिर लिखा हुआ डब्ल्यू, लिखा डब्ल्यू के आगे लिखा हुआ राइट, आप लोग को दिख रहा होगा ना, मैं एक बार फिर से शो कर देती हूँ। देखो ये आपका रीड है, ठीक है, ये आपका अपेंड फंक्शन है, ये राइट फंक्शन है, और ये आपका क्रिएट फंक्शन है। रीड में क्या हो रहा है, आपको बेसिकली रीड में हो रहा है रीड डिफॉल्ट वैल्यू, ओपन द फाइल रीडिंग एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट हो गया पहला। अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं जब फाइल आपकी ऑलरेडी क्रिएट नहीं है, आपका सिस्टम में नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो आप नई फाइल क्रिएट करते हो। राइट का मतलब होता है राइट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, क्रिएट द फाइल।